हाय गाइस, मैं हूं अर्पित और ये है Redmi Note 13 Pro Plus। वैसे आज आप ये वीडियो में देखने वाले हैं Redmi Note 13 Pro Plus और Redmi Note 13 Pro का फर्स्ट लुक। दोनों की प्राइसिंग मैं आपको बताने वाला हूं, चाइनीज़ प्राइसिंग भी बताऊंगा और मुझे क्या लगता है इंडियन प्राइसिंग के बारे में, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। देखो, दोनों ही फ़ोन्स आए हैं और बहुत ही रिफ्रेशिंग सा लुक लेके आए हैं। दोनों ही फ़ोन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलता है दोनों ही फ़ोन्स में। Redmi Note 13 Pro Plus IP68 की रेटिंग लेके आती है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप इस फ़ोन को स्विमिंग पूल में ले जा सकते हो और नहा सकते हो उस फ़ोन के साथ में। आधे घंटे के लिए फ़ोन को घंटा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर बात करी जाए Redmi Note 13 Pro की, तो वो स्प्लैश प्रूफ है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ में एक AMOLED पैनल ऑफर किया है, बट फ़र्क ये है कि Pro Plus में आपको कर्व पैनल मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टिस की प्रोटेक्शन मिलती है और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है और साथ ही साथ 1920 हर्ट्ज़ की PWM डमिंग है और HDR 10 प्लस और Dolby Vision दोनों का ही सर्टिफिकेशन कैरी करता है दोनों ही फ़ोन्स। आगे बढ़ के बात करी जाए दोनों ही फ़ोन्स के चिपसेट के बारे में, तो आपको Pro Plus में MediaTek Dimensity 7200 Ultra मिलता है। वेयर एल्स बात करी जाए Redmi Note 13 Pro की, तो उसमें आपको Snapdragon 7S Gen 2 देखने को मिलता है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको 16GB का टॉप एंड वेरिएंट मिलता है। रैम के मामले में LPDDR5 रैम यूज़ करी गई है और UFS 3.1 की स्टोरेज है, 512GB तक जाता है। और अगर मैं बताना भूल गया हूँ तो आपको दोनों ही जो फ़ोन्स है उसका जो डिस्प्ले है वो 12-bit पैनल है। 2160 हर्ट्ज़ की आपको इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है। और बात कर ली जाए मोमेंट ऑफ ट्रूथ की, यानी कि जिस कारण ये जो फ़ोन है वो फेमस हुए हैं, जो कि है इनके कैमरेस। दोनों ही फ़ोन्स में आपको सैमसंग का HP3 सेंसर देखने को मिल जाता है। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल जाता है। 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोनों ही फ़ोन से 30 फ्रेम्स पर सेकेंड तक। फ्रंट से आप 1080p तक रिकॉर्ड कर सकते हो और 4x जूम है, यानी कि लॉसलेस जूम कर सकते हो अप टू 4x। साथ ही साथ अगर बात करी जाए दोनों ही फ़ोन्स की बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में, तो 5000 mAh की बैटरी आपको दोनों ही फ़ोन्स में मिलती है, बट Pro Plus में आपको 120 वॉट की चार्जिंग ब्रिक मिलती है और Redmi Note 13 Pro में आपको जो है वो 67 वॉट की चार्जिंग ब्रिक मिलती है। और बात करी जाए प्राइसिंग की, तो जो Pro Plus है वो इंडियन करेंसी में 21,000 रुपये में लॉन्च हुआ है और Redmi Note 13 Pro जो है वो इंडियन करेंसी में 15,000 रुपये में लॉन्च हुआ है। अब देखो जो प्राइसिंग है वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 25,000 के आसपास Redmi Note 13 Pro लॉन्च होने वाला है और जो Pro Plus है वो 30,000 रुपीस के आसपास इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आशा करता हूँ इसका वीडियो आपको देखने के बाद Redmi Note 13 सीरीज़ के बारे में सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, फिर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।